जय माँ कल, आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ के द्वारा जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो क्लर्क और वारंट ऑफिसर की। जी हाँ, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल में आप लोग की जो है क्लर्क, वारंट ऑफिसर, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई की वैकेंसी निकल के आई है। पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है। यदि आप लोग चैनल से जुड़े हुए आप लोग को जानकारी होगी। जी हाँ, इसके ऑनलाइन अप्लाई भी आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। 8 जुलाई 2024 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म को अप्लाई कीजिए। सभी वीडियोस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दे रखे हैं। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो दोनों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या किसी एक के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि रिक्रूटमेंट बहुत ही अच्छी है। तो देखिए, ये आप लोग का लिंक है, यहाँ पे व्यू डिटेल पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन आप लोग का ओपन हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन से आप लोग को यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। 9 जून 2024 से 8 जुलाई 2024 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल क्लर्क वारंट ऑफिसर की वैकेंसी है, ठीक है। और वैकेंसी आप लोग की सीएपीएफ यानी कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, सीआरपीएफ सभी में आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। और फिजिकल के बाद रिटर्न, रिटर्न के बाद स्किल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग को बता दिया गया है एडवाइस टू अप्लाई ऑनलाइन और ओनली वन पोस्ट, या कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली थ्रू बीएसएफ रिक्रूटमेंट। ये जो लाइन है ये कन्फ्यूजन पैदा कर रही है बच्चों के माइंड में। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली थ्रू बीएसएफ रिक्रूटमेंट, किसी एक पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या रियल में सिर्फ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम लोग एएसआई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, आप लोग का यहाँ पे आप लोग देखेंगे लिंक है अप्लाई हेयर पर। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। मैंने अप्लाई वाला वीडियो बनाया हुआ है किस प्रकार से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई करते हुए पूरी डिटेल आप लोग देंगे, आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग का जो है ऑनलाइन अप्लाई वाला पेज ओपन हो जाएगा। यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप लोग को डायरेक्ट कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं आप लोग ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालनी है और इसके बाद आई एम नॉट रिबूट पे आप लोग क्लिक करेंगे और इसके बाद आप लोग को लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यदि पासवर्ड भूल गया तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप लोग पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले आप लोग लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप लोग ईमेल, मेल और पासवर्ड डालते हैं एक ओटीपी आप लोग के मोबाइल पे आएगा। वो ओटीपी आप लोग को यहाँ पे डालना है। ओटीपी डाल करके आप लोग वेरीफाई करेंगे। जी हाँ, 815। तो इस प्रकार से जो ओटीपी आया है वो ओटीपी डालेंगे मोबाइल पे, आप लोग का ओटीपी आएगा और इसके बाद सबमिट करेंगे, आप लोग का जो है लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन वाला पेज आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पे आप लोग को क्लिक करना होगा। जी हाँ, जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे आप लोग का जो है फ्रंट पेज दोबारा से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग को नीचे आना है। असिस्टेंट एएसआई और एससीएम पे अप्लाई हेयर पे दोबारा से क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोग को जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है आप लोग उसे सेलेक्ट करेंगे। जी हाँ, आप लोग देखेंगे यहाँ पे हेड, आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं एएसआई स्टेनो वारंट ऑफिसर या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर कलर के लिए, जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग को उसे सेलेक्ट करना है। पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है, आप लोग दोनों फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। इसके बाद क्वालिफिकेशन आप लोग को यहाँ पे यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, 12th क्लास पास आप लोग होने चाहिए। फिजिकल की जानकारी आप लोगों से मांगी गई है तो फिजिकल में आप लोग देखेंगे यहाँ पे अदर कैंडिडेट हैं, आल कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट है या फिर गोरखा, डोगरा, मराठा, जो भी है आप लोग। यदि आप लोग जनरल ओबीसी एससी से हैं आप लोग तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग को हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह आ जाएगा। डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर देंगे, 12th का सर्टिफिकेट। और इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग को देनी है। जी हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस दे देंगे आप लोग, 6 के 6 पोस्ट प्रेफरेंस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, जैसे भी आप लोग उचित समझे आप लोग जो है पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को जो है प्लेस लिखना है, जहां से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं वो जगह लिख देंगे। आप लोग जो है सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, जहां भी आप लोग का फिजिकल होगा वो सेंटर आप लोग सेलेक्ट करेंगे। जी हाँ, ये फिजिकल के सेंटर है और यहाँ पे स्किल टेस्ट और मेडिकल भी आप लोग का हो सकता है, ठीक है, लेकिन रिटर्न एग्जाम का सेंटर नहीं है, ये फिजिकल का सेंटर ध्यान रखिएगा। इसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को नीचे आना है। तो जो पेमेंट आप लोग को करनी है वो पेमेंट आप लोग की शो हो जाएगी और यहाँ पे आप लोग को आईआर पे क्लिक करना है। पे नाउ पे आप लोग क्लिक करेंगे। पे नाउ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, एग्री टू पे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोग का पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। कार्ड से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप लोग कर लेंगे, ठीक है। कार्ड का नंबर आप लोग दीजिए, सीवीसी और कार्ड के पीछे लिखा होता है मंथ, एक्सपायरी डेट वगैरह लिखिए और इसके बाद आप लोग पेमेंट, पे ना, मेक पेमेंट पे आप लोग क्लिक करेंगे।
पेमेंट के बाद आप लोग का डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई किया होगा उसकी पूरी पूरी डिटेल आप लोग की यहाँ पे आ जाएगी जी, यहाँ पूरी पूरी डिटेल आप लोग की आ जाएगी। और यहाँ नीचे आप लोग देखेंगे डाउनलोड डॉक्यूमेंट और प्रिंट, ठीक है, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके आप लोग सेव करके रख सकते हैं अपने पास, और इसके अलावा आप लोग डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रिंट आप लोग प्रिंटर से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग साइबर कैफे से कहीं से करवा रहे हैं तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे प्रिंट को निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रिंट निकाल के रख लेंगे। तो मैंने इसे सेव कर लिया। चलिए अब इसके बाद जो है यहां से लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद मैं आप लोगों को दोबारा से एएसआई के लिए यहां पे अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है। एचसीएम के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, एएसआई के लिए उसी प्रकार से प्रोसेस होगा। अप्लाई हियर पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे आप लोग कैंडिडेट लॉग इन पे जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप लोग करा चुके हैं। तो यहां पे आप लोग का जो भी ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करते हुए आप लोग लॉग इन कर लीजिए। तो आप लोग देखेंगे इस प्रकार से आप लोग क्रॉस करना है, और यहाँ पे अब आप लोग का जो है असिस्टेंट आपने एसएचएम के लिए अप्लाई कर लिया है। अब अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट में फिर से आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को अब जो है एएसआई स्टैनो के लिए अप्लाई करना है। एसएचएम के लिए आप लोग अप्लाई कर सके, अप्लाई हियर पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी सबमिट फॉर द एडवर्टाइजमेंट, देख रहे हैं आप लोग, योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी सबमिट फॉर द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि अब ये मना कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी सबमिटेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइजमेंट के लिए आप लोग फॉर्म भर चुके हैं, अब फॉर्म नहीं भर सकते। तो बिल्कुल क्लियर मैंने आप लोग को लाइव यहां पे दिखा दिया है, पेमेंट करते हुए आप लोग को दिखाया, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी से कुछ पूछने की आप लोगों को जरूरत ना हो, क्योंकि मुझे पता है बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर के। तो एक फॉर्म भरने के बाद आप लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते, जी हाँ। चाहे एएसआई के लिए अप्लाई करिए, चाहे एचसीएम के लिए, सोच समझ के अप्लाई कीजिए। यदि एचसीएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एएसआई के लिए नहीं कर पाएंगे, एएसआई के लिए कर दिया है तो आप लोग एचसीएम के लिए नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल क्लियर है, आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी सबमिटेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, आप लोग फॉर्म भर चुके हैं यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्रॉस करके आप लोग देख सकते हैं। देखना चाहें तो अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट फिर से क्लिक करिए, फिर से क्लिक करते हैं। हमने एचसीएम के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं दोबारा से अप्लाई कर रहा हूं, बार बार यही कह रहा है, अब ये फॉर्म भरने नहीं दे रहा है, यानी कि आपने एचसीएम का भर दिया है, एचसीएम के साथ क्लर्क भी है तो आप लोग एएसआई का नहीं भर सकते, एएसआई का भर दिया है तो आप लोग एचसीएम के लिए नहीं भर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो तो आप लोगों के लिए बनाया, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि काफी बच्चे इस चीज को लेकर के परेशान है कि सर दो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, नहीं भर सकते, आप लोग एक ही फॉर्म भर सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के लिए, एचसीएम भरिए या फिर एएसआई, कोई भी फॉर्म, कोई किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा कि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन ऑल बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगकर के बताएं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।